दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है फंडामेंटल क्लासेस बरेली में। मैं पॉलिटी मेंटर आपका अभिषेक जौहरी आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और आप अपनी पढ़ाई को एक सीरीज से आगे बढ़ाते रहिए, क्योंकि आपने देखा है कि कई तरीके के नोटिफिकेशन आ गए हैं, कई वैकेंसी आने वाली है। जैसे TET के लिए बच्चे काफ़ी बेचैन थे 2020 का TET, कोरोना महामारी या कोरोना पैंडेमिक के कारण नहीं हो पाया, उसका नोटिफिकेशन आ गया और वो 28 फरवरी को TET होगा। तो इसीलिए अपनी पढ़ाई को आप कभी ब्रेक मत दीजिए, जो 2021 है उसमें कई वैकेंसी भी आने वाली हैं और आप अपने आप को बिल्कुल तैयार रखिए, क्योंकि 2020 तो एजुकेशन के हिसाब से काफ़ी ख़राब चला गया, लोग कई वैकेंसी भी नहीं हो पाई और बच्चों की पढ़ाई मिस होती रही। लेकिन अब जो है, अब आप पूरी तरीके से अपना फोकस पढ़ाई पर कर लीजिए। तो मैं पॉलिटी की सीरीज़ में आपके साथ आगे बढ़ते हुए शुरुआत करता हूँ आज जिस टॉपिक की, वो है फंडामेंटल राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 3। जैसे मैंने आपको बताया था, कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 3, पार्ट 2 तक मैं आपको दे चुका हूँ CNRC तक। पार्ट 3 पे हम आते हैं फंडामेंटल राइट्स। तो पहली वीडियो में हम ये जानते हैं कि फंडामेंटल राइट्स होते क्या हैं। सबसे पहले फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं, जैसे आपको पता है कि कुछ राइट्स मतलब कुछ अधिकार आपको दिए हैं। किसने दिए हैं अधिकार? अधिकार ऐसा नहीं, अधिकार दिए हैं आपको आपके संविधान ने, मतलब हमें अधिकार जो मिले हैं वो किसने दिए? भारत के संविधान ने, मतलब हमारे अपने संविधान ने, हमारे अपने कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें कुछ राइट्स दिए हुए हैं। वो राइट्स इतने इम्पॉर्टेंट हैं कि वो हर व्यक्ति के लिए जानना जरूरी है। आपको पता ही नहीं होगा आपके अधिकार कौन कौन से हैं या आपके पास पावर कौन कौन सी है। तो फंडामेंटल राइट्स क्या हैं? वो अधिकार हैं जो किसी भी व्यक्ति के डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी होते हैं। और सबसे स्पेशल बात जो है फंडामेंटल राइट्स की, वो ये होती है कि फंडामेंटल राइट्स को सीधे डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट का या सर्वोच्च न्यायालय का संरक्षण प्रदान होता है। मतलब सर्वोच्च न्यायालय का इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, मतलब अगर आपको कहीं पर भी लगता है कि ये भाई इसने ऐसा गलत किया है, इस आदमी ने ऐसा गलत किया, वो आप आगे सीधे सीधे मेरे साथ पढ़ते जाओगे तो आप समझ जाओगे कोई कानून बना तो ये कानून गलत बना है। तो आप डायरेक्टली अगर आपको लगता है कि कहीं भी आपको जो है वो कानून जो बना है वो आपके फंडामेंटल राइट को या आपके मौलिक अधिकार को या मूल अधिकार को नुकसान पहुंचा रहा है, तो आप डायरेक्ट किसकी शरण में जा सकते हो? सुप्रीम कोर्ट की। मतलब नॉर्मल कोई मैटर होता है तो आप जुडिशियल सिस्टम में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचते हो। यहाँ पर डायरेक्टली आप किसके पास जा सकते हो? सुप्रीम कोर्ट के पास। तो मूल अधिकार में सबसे पहले इंपॉर्टेंट रखना है, मूल अधिकार किसने दिए हैं हमको? हमारे संविधान ने। देखिए, अगर हम बात करें तो ग्लोबल लेवल पे सबसे पहले, ग्लोबल मतलब वैश्विक लेवल पे सबसे पहले मौलिक अधिकारों को कहाँ अपनाया गया? USA। ग्लोबल लेवल पर मौलिक अधिकारों को सबसे पहले कहाँ पर अपनाया गया? किस कॉन्स्टिट्यूशन में? USA में। लेकिन USA के कॉन्स्टिट्यूशन में ये जो मौलिक अधिकार थे ये शुरुआत से नहीं थे। जब वहाँ संविधान बन गया तब संविधान संशोधन या के द्वारा बाद में ये जो मौलिक अधिकार थे जोड़े गए। लेकिन हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में मौलिक अधिकार जो थे वो स्टार्टिंग से, मतलब जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना तो उसमें मौलिक अधिकारों के लिए स्थान दिया गया था। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि वैश्विक लेवल पे सबसे पहले मौलिक अधिकार कहाँ आए? USA पे। लेकिन USA में संविधान में शुरुआत से नहीं थे, बाद में जुड़े। लेकिन हमारे भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें मौलिक अधिकार शुरुआत से ही है। जब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बन के तैयार हुआ तो उसमें मौलिक अधिकार, देखिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जैसे हमने आपको बताया 22 पार्ट्स हैं, तो सबसे पहले ही जो है तीसरे पार्ट में मौलिक अधिकारों की बात हो रही है, तो इसका मतलब इसके लिए शुरू से जगह रखी गई थी। और मौलिक अधिकार आपको दूसरी चीज याद रखना है, इसको स्पेशल संरक्षण प्रदान होता है किसका? सुप्रीम कोर्ट का, SC का, मतलब सर्वोच्च न्यायालय का इसको संरक्षण प्रदान होता है। ये दो चीजें आपको मौलिक अधिकार से ऑब्जेक्टिव आपके बनते हैं। देखिए यहाँ पे 3 ऑब्जेक्टिव आपके बनते हैं संविधान के कौन से भाग में? भाग 3 में। कौन से अनुच्छेद में? अभी हम पढ़ेंगे, आगे पढ़ते जाएंगे, आर्टिकल 12 से लेके 35 तक में। कहाँ पर सबसे पहले मौलिक अधिकार अपनाए गए? अगर हम दुनिया की बात करें तो USA में। लेकिन USA में शुरुआत से नहीं थे, शुरुआत से कहाँ थे? भारत में। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इनको स्पेशल प्रोटेक्शन या संरक्षण प्रदान है किसका? सर्वोच्च न्यायालय का। अब देखिए मौलिक अधिकार है कितने हमारे, देखिए अगर हम देखते हैं कि अब हमारे मौलिक अधिकार कितने हैं, तो देखिए पहले हमारे पास 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन अब जो है 7 नहीं है। देखिए कौन कौन से मौलिक अधिकार थे कॉन्स्टिट्यूशन, हम ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो सबसे पहला हमारा अधिकार था समानता का अधिकार। कौन सा अधिकार था? समानता का अधिकार, मतलब राइट टू
इक्विटी मतलब सबके साथ समान व्यवहार किया जाए, इसको हम डिटेल में देखेंगे। इसका जिक्र अनुच्छेद कहां से कहां तक है, अनुच्छेद 14 से लेके 18 तक। दूसरा अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार। इसका वर्णन कहां पर है, संविधान में आर्टिकल 19 से 22 तक। तीसरा अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये कहां पर है संविधान में, के कौन से अनुच्छेद में है, आर्टिकल 23 और 24 में। चौथा अधिकार कौन सा है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, रिलीजियस फ्रीडम। ये संविधान के कौन से अनुच्छेद में है, आर्टिकल 25 से 28 में। पांचवा अल्प संख्यकों के हितों का संरक्षण, शिक्षा व संस्कृति का अधिकार, अल्पसंख्यकों के शिक्षा व संस्कृति का अधिकार, ये कहां पे है, आर्टिकल 29-30। छठा अधिकार जो कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें दिया, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज, ये जो है आर्टिकल 32। ये जो है इस समय हमारे पास मौलिक अधिकार है, समानता का अधिकार राइट टू इक्विटी, स्वतंत्रता का अधिकार राइट टू फ्रीडम, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अल्पसंख्यकों के शिक्षा व संस्कृति का संरक्षण, तीसरा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। देखिए जब हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था तो 7 मौलिक अधिकार थे, वो था संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी, जो कहां पर था, आर्टिकल 31 में। लेकिन अब ये संविधान संशोधन के द्वारा इस मौलिक अधिकार को खत्म कर दिया गया है। तो अब अगर आपसे पूछा जाए तो कितने मौलिक अधिकार है, 6। मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे, 7। ठीक है, तो अब हम आगे वाली वीडियोस में इन्हीं मौलिक अधिकारों को, अनुच्छेदों को एक एक करके डिस्कस करते चलेंगे। आर्टिकल 12 और 13 में मौलिक अधिकार का जिक्र नहीं है, उसमें ये जिक्र है कि मौलिक अधिकारों की जरूरत कब पड़ेगी। जब आप आर्टिकल 12 13 पढ़ोगे तब मैं इस चीज को डिस्कस करूंगा। तो अब हमारे पास कितने मौलिक अधिकार है वर्तमान समय में, 6। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में कितने मौलिक अधिकार थे, 7। अब संपत्ति का अधिकार जो है वो मौलिक अधिकार नहीं रह गया है, इसको आर्टिकल 31 से खत्म करके आर्टिकल 300A में जोड़ दिया गया है। जब हम आगे बढ़ते जाएंगे पॉलिटी की सीरीज में तब हम इसको डिस्कस करेंगे। ये एक संविधानिक अधिकार है लेकिन मौलिक अधिकार नहीं। और एक चीज ध्यान रखिए, जितने भी अधिकार आप पढ़ रहे हो 14 से लेके आप 29-30 तक पढ़ते जाओगे, लेकिन अगर ये अनुच्छेद 32 ना हो तो सारे अधिकार आपके बेकार है। सबसे इंपॉर्टेंट अधिकार क्या है, आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 आपको पढ़ोगे तो आप, लेकिन आपको साथ ही साथ ये ध्यान रखना है कि बाबा साहब अंबेडकर ने या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो आर्टिकल 32 है उसको संविधान की आत्मा कहा है। क्या कहा है, सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। किसने कहा है, किसने कहा है सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या डॉक्टर बीआर अंबेडकर या बाबा साहब अंबेडकर। जो संविधान जब मैंने प्रस्तावना पढ़ाई थी तब उनका रोल आपको बताया था। तो आर्टिकल 32 को जो है संविधान की सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा है किसने। देखिए यहां पर कंफ्यूजन होती है, आप मेरी अगर सीरीज में जुड़े हुए हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देखिए मैंने बताया था जो प्रेम्बल है उसको सोल ऑफ इंडिया किसने कहा है, सर्वोच्च न्यायालय ने। लेकिन आर्टिकल 32 को सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसने कहा है, डॉक्टर वी आर अम्बेडकर। तो ये क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव बहुत पूछा जाता है, बच्चे गलती कर देते हैं। तो आर्टिकल 32 को सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसने कहा है, बाबा साहब अंबेडकर ने। और प्रस्तावना को सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसने कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने। तो ये मैंने आपको चर्चा दे दी, ये हमारी सीरीज रहेगी आने वाले टाइम में कि मूल अधिकार से हम शुरुआत करने से पहले सबसे पहले आपको यही पता होना चाहिए मूल अधिकार थे क्या, 7 थे, लेकिन अब कितने रह गए, 6। अब आने वाली वीडियोज में हम इसको एक एक करके डिस्कस करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।